वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ चुके हैं और नए वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्ट्रीम चैम्प्स के अगेन कुछ सेटिंग्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमें कमेंट कर रहे हैं कि स्ट्रीम चैम्प्स से जब हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं और गेम में जाकर जब हम लोग बात करें टीममेट से बात करने के लिए माइक ऑन करते हैं तो गेम का साउंड कम हो जाता है या गेम से माइक ग्लिच हो जा रहा है। तो उन सारे सेटिंग्स को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर हम लोग सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाकर देखें तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स से पहले काम करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ आपको नेट स्पीड टेस्ट कर लेना है। अगर आपका बहुत बढ़िया नेट स्पीड है तो आपको रेजोल्यूशन 180 पे रखना है। आपका बहुत बढ़िया नेट स्पीड भी है बट आपका साउंड ग्लिच आ रहा है तो आपको रेजोल्यूशन को चेंज करना है और 720p पे आपको रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है। इस बात को आपको याद रखना है। और उसके बाद से अगर बिटरेट में बात करें तो बिटरेट आपको मैक्सिमम बिटरेट 3500 ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। फ्रेम पर सेकंड को आप 30-60 कितना भी रख सकते हैं बट माई रिकमेंडेशन आपको 60 FPS ही रखना है। इससे क्या होगा, आपका गेम बहुत ही स्मूथ दिखाई देगा। एक चीज़ है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से इसको सेटिंग्स को रखना है, वो है एडवांस सेटिंग्स में। ये एडवांस सेटिंग्स माना है और EVC आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो सेटिंग्स दिखाई दे रहा है आपको इसको सेट करना है। बहुत सारे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको चेंज करने के बाद उनका माइक ग्लिच दिखाई दे रहा है। सो आपको इसमें आना है AVC सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको दिख रहा है H.264, इसको हाई 4.1 पे आपको रखना है। इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। नेटवर्क प्रायोरिटी में अगर बात करें तो इसको आपको हाई पे ही रखना है, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है। नॉर्मल या लो पे है तो आप इसको हाई कर लें। स्पीड ओवर क्वालिटी अगर आपका बंद है तो उसको ज़रूर से ऑन कर लें, क्योंकि इस अगर आपका नेट स्पीड भी स्लो भी होगा तब का रेजोल्यूशन कुछ कम हो जाएगा और वैसा आपको ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको EVC को ध्यान से सेट कर लेना है। इसको जो मैंने अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको वही रखना है। अगर IDO का बात करें तो IDO पे कोई हमें डिफरेंस वैसा नहीं मिलता है। आपको 96 kbps है 128 पे आप रख सकते हैं। अगर गेम मोड में बात करें तो गेम मोड में आपको गेम चैट पे रखना है, गेम चैट के अलावा और कोई नहीं रखना है। बस यही सेटिंग्स था, आप ध्यान से चाहें और सेटिंग्स को कर लें। इसके बाद आपको साउंड का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो बस वीडियो में इतना ही था, अब चलते हैं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है सो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।